हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज़ डॉक्टर मोनू मिश्रा। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पार्ट टाइम पीएचडी इन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया में एक पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ ये चीज़ अवेलेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कैसा रिसर्च एक्सपीरियंस होगा और क्या पूरी मतलब टेन्योर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैंने स्पेशली डॉक्टर किशोर उपाध्याय को बुलाया है। डॉक्टर किशोर उपाध्याय ने अपनी पीएचडी पार्ट टाइम करी है फिजिक्स में, सो वो आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस जो है, जो उन्होंने पूरी जर्नी में फेस किया है, उसको भी अच्छे से आपको समझा सकते हैं ताकि आप अपनी पार्ट टाइम पीएचडी कर सकें। सो अगर आप किसी भी जगह मतलब जॉब कर रहे हैं, किसी चीज़ में एंगेज हैं ऑलरेडी पर्टिकुलर रेगुलर जॉब में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, चलते हैं वीडियो पे। बट उससे पहले दो चीज़ याद रखिएगा, ये वीडियो लंबी है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सेकंड चीज़, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप मेरी नई वीडियोज़ नहीं देख पाएंगे, मिस हो जाएंगी नोटिफिकेशन उसकी। तो बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलते हैं सीधे किशोर उपाध्याय के पास और डिस्कस करते हैं पार्ट टाइम पीएचडी को। किशोर भाई, कैसे हो आप? हाय मोनू भाई, हम ठीक हैं, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। और कर्नाटका में कैसे चल रहा है चीजें? हाँ, चल रहा है, कोविड चल रहा है, थोड़ा दिल्ली से थोड़ा स्लो है। अच्छा। तो अभी केसेस अभी कम हो रहे हैं, शायद एक दो हफ्ते में यहाँ पे भी लॉकडाउन निकाला जाएगा। अच्छा। तो दिल्ली तो कैपिटल है तो ज्यादा केस होना तो बनता ही है, इतना तो थोड़ा लाइमलाइट में रहना चाहिए। उपाध्याय मैं यहाँ पे कर्नाटका में हुबली में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बोल के काम करता हूँ एंड आई हैव आल्सो डन माय पीएचडी इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट पास्ट 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ एंड पैरेलली आई हैव आल्सो डन माय पीएचडी आल्सो एट द सेम टाइम। एंड प्रायर टू दैट मैं 2 साल जेएनसीएसआर बैंगलोर में भी रिसर्च असिस्टेंट बोल के काम कर चुका हूँ। तो टोटली आई कैन से दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एज वेल एज टीचिंग। So, तो मुझे ये बताइए कि पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कौन कौन एलिजिबल है और ये कैसे करी जा सकती है? व्हाट इज पार्ट टाइम पीएचडी एंड हु इज एलिजिबल? पार्ट टाइम पीएचडी इज नथिंग बट इट इज आल्सो लाइक अ सेम फुल टाइम और पार्ट टाइम में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट पार्ट टाइम पीएचडी इज ऑफर्ड फॉर पीपल हु आर एम्प्लॉयड समवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मास्टर्स के बाद उनको कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छा जॉब मिल जाता है और वो किसी कारण से पीएचडी परस्यू नहीं कर पाते हैं। बट इफ दे वांट टू डू पीएचडी लेटर ऑन आफ्टर दे जॉइन द जॉब, तो यूनिवर्सिटीज ऑफर दिस पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स वेर इन पीपल हु आर कम्प्लीटली फुली एम्प्लॉयड, जो जिनका एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम है, फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब बेसिक लाइक आपको मास्टर्स होना चाहिए आपके जो रिलेवेंट फील्ड में है और जो मिनिमम मार्क्स कट ऑफ है वो तो सेम रहेगा। बट एडिशनली कपल ऑफ वो डिपेंड करता है, मतलब यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है जो पीएचडी कोर्स ऑफर कर रहा है। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स दे प्रिफर ओनली पीएसयूज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो अगर कैंडिडेट इज वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आरएनडी ऑर्गेनाइजेशंस तभी वो रजिस्टर कर सकते हैं। बट देर आर अदर इंस्टीट्यूट्स विच ऑफर पीएचडी फॉर लाइक कॉलेज प्रोफेसर ऑल्सो एंड अदर स्टाफ ऑफ देयर इंस्टीट्यूट्स एज वेल। तो वैसे भी है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन जनरल इज सेम बट थोड़ा माइनर ट्वीकिंग है एक यूनिवर्सिटी से और एक यूनिवर्सिटी में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। अच्छा, मतलब कुछ कुछ जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रेफर करती हैं और कुछ कुछ प्राइवेट को भी, इंडस्ट्रियल को भी, मतलब सबको प्रेफर कर सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है देन आल्सो ही कैन कम एंड जॉइन। बट इफ यू लुक एट जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या न्यू आईआईटीज हो, दे अलाउ ऑलमोस्ट ऑल अदर पीपल आल्सो।
वैसे भी इसके लिए मतलब रेस्पेक्टिव जहां भी आप जाना चाहते हैं उसके ऊपर वेबसाइट पे जाके देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और था इसमें, जैसे कि नॉर्मल पीएचडी के लिए नेट गेट जेआरएफ चाहिए होता है, मतलब जेआरएफ क्वालिफाई एलएस क्वालिफाई, ये क्राइटेरिया क्या इसमें है पार्ट टाइम में भी, कि उसके लिए भी आपको नेट गेट जेआरएफ चाहिए? पार्ट टाइम में ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगेन इंस्टीट्यूट वाइज वो डिपेंड करता है, जैसे आईआईटीज हो या आईआईएससी हो उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है नेशनल लेवल एग्जाम से, पर क्योंकि उनका एमओयू ऑलरेडी रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन से, बट इट इज मैंडेटरी फॉर अदर यूनिवर्सिटीज टू क्लियर अ यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट। तो एआरएफ नेट या जो अदर एंट्रेंस एग्जाम है जैसे जेस्ट हो या गेट हो वो मैंडेटरी नहीं है बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, सो इट इज अज्यूम दैट दे डोंट हैव टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। सो उनके लिए यूनिवर्सिटी लेवल का एक टेस्ट रहता है, यू हैव टू क्लियर दैट विच विल बी फॉलोड बाय इंटरव्यू, तो एक वन टू वन इंटरव्यू रहता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। और ये जो चीज है ये कॉमन है, मतलब इंजीनियरिंग साइंस के हो आप कॉमर्स के हो, जैसे आई एम अगर कोई करना चाहता है तो सबके लिए सेम ही है, चाहे आर्ट्स के हो चाहे साइंस के हो चाहे कॉमर्स के हो, प्रोसेस सेम है सब स्ट्रीम्स के लिए सेम। और आई आई एम्स भी पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर करते हैं, आई आई टीज भी ऑफर करते हैं, आईआईएससी डज नॉट ऑफर पार्ट टाइम बट इट ऑफर्स ए ईआरपी प्रोग्राम, सो इट इज नॉट सो ओपन टू पब्लिक। But you said like state and central universities भी offer करते हैं। All the state universities and all the central universities, even NITs, they also offer PhD, part-time PhD program. So, मतलब आप irrespective of कोई field, humanities हो, commerce हो, आप part-time सब में कर सकते हैं, तो ऐसा कोई criteria नहीं है आपके साथ। Yeah, कोई criteria नहीं। There are two things. एक है institutes का recognition. So institute जो university आपको PhD offer कर रहा है, वो university वो जो जहां आप काम करते हैं वो वर्क प्लेस या ऑफिस जो है, वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और कॉलेज और अदर यूनिवर्सिटी, तो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए ये यूनिवर्सिटी से, ओनली देन यू आर अलाउड। तो मतलब ये जो फाइन रूल्स हैं वो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं, बट यूजुअली जनरली जो जो इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं वहाँ इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड एटलीस्ट 5 years बिफोर, इट शुड हैव अ डीएसएन सर्टिफिकेशन, and you should be employed at least for 2 years in a full time mode in that organization. So ऐसे कि आप अपने चाचा की जो है कम छोटी सी कंपनी में 4 साल काम कर रहे थे और आपने सोचा डिग्री दिखा के एडमिशन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, it should be well renowned. ये सब जो रूल्स बना रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, they want to ensure that part time PhD में जो enroll कर रहे हैं they really want to do research and their job profile is related to research. So koi bhi any Tom Dick and Harry cannot come and do a part-time PhD. मतलब ये सही सही बात है, फालतू कैंडिडेट तो हटाने ही पड़ेंगे। मेरा जो PhD मैंने रजिस्टर किया है वो है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कर्नाटका में है, इट इज द ओनली गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विच जो उनके अंडर सब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आते हैं, तो वहां से वहां पे रजिस्टर किया था एज अ पार्ट टाइम बिकॉज आई वाज एम्प्लॉयड हियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ फुल टाइम मोड, तो आई हैड टू रजिस्टर पार्ट टाइम। एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्ट टाइम के, आपको तो ज्यादा अच्छी तरह पता होगा कि एडवांटेज क्या है पार्ट टाइम जॉब मतलब पीएचडी क्यों करने। एडवांटेज ये है कि पहली बात है आपको अपना जॉब छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई जॉब्स ऐसे होते हैं कि आपको सर्विस कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि आपका कुछ प्रमोशन रहता है, कुछ कुछ रहता है, सेवरल रीजंस यू वांट टू कीप योर जॉब, तो यू डोंट हैव टू लूज योर जॉब, तो वो जॉब सिक्योरिटी जो है वो रहेगा। सेकंड थिंग इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिकॉज इफ यू हैव अ जॉब विच पेज मोर देन द फेलोशिप्स एंड वी नो हाउ वेल अवर फेलोशिप्स आर फॉर पीएचडी, सो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो अच्छा रहता है, दैट इज ऑन वन फ्रंट। बट ऑन द अदर फ्रंट यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि रिसर्च करने का जो टाइम है आप चूज कर सकते हैं कि व्हेन यू वांट टू कितना कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं, तो यू कैन चूज, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। सेकंड थिंग आपको जो आपका पर्सनालिटी है बिकॉज यू आर इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन योर प्रोफेशन, सो ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है पैरेलली बिकॉज यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्रोफेशन, लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज टीचिंग हियर एंड आई वाज आल्सो डूइंग रिसर्च, सो मुझे दोनों जो हैं तो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं फॉर बोथ दीज प्रोफेशंस वो एट अ टाइम यू गेट टू लर्न, सो जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है दैट इज बेटर आई थिंक, मतलब यू नो थ्योरी एंड यू नो एक्सपेरिमेंट बोथ, या यू नो बोथ एंड यू आर रियली वर्किंग इन अ एनवायरनमेंट वेयर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, सो इट्स नॉट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू वर्क फॉर टुमारो लाइक व्हिच हैपेंस इन। प्लस मैंने सुना है कि शायद इससे आपका जो है वो भी प्रमोशन भी होता है इसके बाद। या
जैसे यूजीसी का रूल्स है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर इफ दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस और आपका पीएचडी हो गया, तो जो मिनिमम वो एपीआई स्कोर वगैरह है, तो अगर वो हो जाए तो आपको प्रमोशन मिल जाता है, तो वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पार्ट टाइम पीएचडी की वैल्यू इक्वलेंट होती है फुल टाइम पे, ऐसा कोई डिफरेंस वगैरह होता है क्या? अगर आपने जॉब के लिए जाए ऑफिशियली एंड नॉन ऑफिशियली दोनों मैनर में, तो क्या इक्वलेंट है ये दोनों, सेम ट्रीटमेंट है, सेम वैल्यू है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत लोगों के दिमाग में, बिकॉज आई नो, बिकॉज यूजुअली लोगों को लगता है कि फुल टाइम पीएचडी जो है दैट इज ओनली वे ऑफ डूइंग पीएचडी, एंड पार्ट टाइम पीएचडी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और इट्स नॉट लीगल, ऐसा कुछ रहता है लोगों को मन में। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, यूजीसी ने 2017 में एक क्लियर कट एक रेगुलेशन दिया है, एक रूल दिया है कि जो रेगुलर, क्योंकि जो अब अगर आप देखेंगे यूजीसी के अपॉइंटमेंट रूल्स में, तो उसमें लिखा है कि पीएचडी हैज टू बी थ्रू रेगुलर मोड। तो जब रेगुलर मोड लिखा है, तो लोगों ने यूजीसी को लिखा कि यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज रेगुलर मोड, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर चुके हैं वैसे, तो वेदर दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेगुलर मोड और नॉट। सो यूजीसी स्टेटेड 2017 दैट रेगुलर मोड मींस बोथ फुल टाइम एज वेल एज पार्ट टाइम पीएचडी, प्रोवाइडेड that existing bylaws, ordinances and statutes are followed by the respective universities. So, part-time PhD is legally equally recognized as a full-time PhD, but online या correspondence या distance mode से जो PhD रहते हैं, it is illegal, it's not recognized by any university or by UGC. But part-time and full-time are both equally recognized officially. मतलब अगर एक जॉब है तो दोनों को सेम वेटेज मिलेगा, चाहे वो पार्ट टाइम से हो चाहे वो फुल टाइम से हो, उसकी दोनों को बराबर पॉइंट मिलेंगे। No, there is no change because part time is not like that. You have to devote certain amount of time. In fact, कुछ universities ऐसे हैं कि आपको minimum जो residence period है आपके university में, वो आपको comply करना ही पड़ेगा। You will have to take leave from your employer and go there, stay there for 1 year or 6 months, whatever it is. वहाँ पे रह के आपको complete करना ही पड़ेगा। So part time is like, जैसे फुल टाइम में यू आर स्पेंडिंग लेट्स से 8 आवर्स और 10 आवर्स, पार्ट टाइम में यू आर स्पेंडिंग हाफ ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई योर पीएचडी इज लॉन्गर। योर पार्ट टाइम पीएचडी इज लॉन्गर देन फुल टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम में ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि आप नियरेस्ट वाली यूनिवर्सिटी चुने, ताकि आप जाके इजिली रिसर्च कर भी पाए वहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपको IITs हो, IIMs हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एंड आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं एंड ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज, they all offer PhD. There are few universities which also do not offer part-time PhD because unko approval nahi mila rehta hai. For example, JNU doesn't offer part-time PhD. So it's a matter of their policy. It is not because it's illegal or something. So what was the admission process and documents? Tumhe kya kya documents submit karne pade the aur kya kya matlab process tha pura admission ka? Again, admission process jo hai, वो वन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी तो वो अलग अलग रहता है, बट यूजुअली जो एडमिशन प्रोसेस है इट इज सेम एंड सिमिलर टू व्हाट फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट डज। द ओनली डिफरेंस इज यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ नेशनल लेवल एग्जाम, बट यू विल हैव टू क्लियर अ यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट। तो मेरा जो था यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था, तो आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। वंस यू क्लियर दैट एग्जाम, आपका एक इंटरव्यू होगा, वन टू वन इंटरव्यू। उसके बाद आपको गाइड अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे एक एडवांटेज है आपको, क्या एडवांटेज है, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां का एक गाइड भी आप चूज कर सकते हैं एज अ को गाइड, एंड यू कैन चूज अ गाइड इन द यूनिवर्सिटी वेयर यू आर रजिस्टरिंग, सो यू कैन हैव टू गाइड सो दैट यू कैन डू कोलैबोरेटिव वर्क, सो यू हैव दैट पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग गाइड। तो गाइड अलॉटमेंट होने के बाद जो प्रोसेस है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए सिर्फ दो ही रिलैक्सेशन है मेरे हिसाब से। वन इज यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ नेशनल लेवल एग्जाम, एंड सेकेंड थिंग आपका जो टाइम है वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा दिया दिया रहता है आपको यूजुअली, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो जाते हैं वो तो जाते हैं, क्या इसमें कोई अलग से डॉक्यूमेंट जाता है जिसमें मतलब आपको इंस्टीट्यूट से एंडोर्समेंट मिलता है कि हाँ ये कर सकता है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होता है? यस, आपको अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसका प्रूफ देना पड़ता है, जो आपका ऑफर लेटर है या एक्सपीरियंस लेटर। इफ अगर आपका यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल IIMs में मैनेजमेंट की जो पीएचडी रहते हैं वहाँ पे आपका
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ. तो वो एक्सपीरियंस लेटर है फ्रॉम द आपका एम्प्लॉयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और एक है एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि ये जो बंदा रजिस्टर कर रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि पीएचडी करने से। तो और एक है, और कभी कभी यूनिवर्सिटीज बोलते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पे रेलेवेंट जो जो फैसिलिटीज चाहिए आपके रिसर्च के लिए वो मौजूद रहना चाहिए वहां पे आपके यूनिवर्सिटी में, तो उसका भी प्रूफ आपको कभी कभी देना पड़ता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड तो जो आपको एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट चाहिए और आपका एक एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना चाहिए, एनओसी एंड योर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, टू आर एडिशनल डॉक्यूमेंट। क्या आप जॉब भी कर रहे हो और आपके इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करोगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट से ही मुझे याद आया कि मतलब पार्ट टाइम में फेलोशिप मिलती है? नहीं, पार्ट टाइम में फेलोशिप नहीं मिलती, क्योंकि पार्ट टाइम उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास ऑलरेडी जॉब है। तो ऐसा जॉब या यू लीगली यू कैन नॉट ड्रॉ टू सैलरीज लाइक एक फेलोशिप एक सैलरी यू कैन नॉट ड्रॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टाइम के बारे में कि कोर्स वर्क कैसे होता है, कितना टाइम हमें यूनिवर्सिटी में लगता है और मतलब टोटल कितना टाइम लग जाता है पीएचडी करने में? ओके, यूजुअली जो पार्ट टाइम पीएचडी हम देखेंगे ऑन एन एवरेज इफ यू लुक एट जनरल स्टैटिस्टिक्स, पार्ट टाइम पीएचडी फुल टाइम पीएचडी से थोड़ा लंबा रहता है। तो आपका एक बार आपका गाइड अलॉटमेंट हो गया तो यू हैव स्टार्टेड योर रिसर्च, कोर्स वर्क जो है उसमें कोई आपको कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। आपको जो फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट कर रहे हैं उतना कोर्स वर्क आपको भी करना है। एंड इफ इंस्टीट्यूट्स आर ऑफरिंग कोर्सेज यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, दैट इज उसके लिए आपको कोई एग्जम्पशन है ही नहीं। तो इसलिए एनओसी लिया जाता है एम्प्लॉयर से ताकि वो अटेंड कर सके वो क्लासेस एंड कोर्स वर्क। मेरे हिसाब से लगभग एक साल का कोर्स वर्क रहता है और ऑन एन एवरेज हर जगह, तो एक साल तो आपको वो कोर्सेज अटेंड करने ही पड़ेंगे, चाहे आप छुट्टी लेके जाओ, चाहे आप मतलब एक साल की लीव लो, चाहे आप छुट्टी लेके जाओ, मगर कोर्स वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ वो नहीं है रिलैक्सेशन। जैसे आपका अगर इंस्टीट्यूट आपके वर्क प्लेस के विसिनिटी में है तो आप सिर्फ क्लासेस अटेंड करके वापस आके आप काम भी कर सकते हैं, वैसे भी बहुत लोग करते हैं। तो कोर्स वर्क जो है वो मैंडेटरी है, बिकॉज अगर आप कोर्स वर्क नहीं करेंगे तो आपका पीएचडी वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू यूजी। तो कोर्स वर्क ड्यूरेशन इज सेम एंड मिनिमम टाइम जो दिया जाता है एक थीसिस सबमिशन के लिए वो फुल टाइम से थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। जैसे मेरा जो यूनिवर्सिटी है फॉर फुल टाइम पीएचडी मिनिमम पीरियड इज 3 years, बट फॉर अ पार्ट टाइम पीएचडी मिनिमम पीरियड इज 4 years फॉर सबमिशन। एंड इफ यू लुक एट एवरेज, अगर हम एवरेज देखेंगे तो यूजुअली इंडिया में फुल टाइम एंड स्पेशली इन साइंस स्ट्रीम्स फुल टाइम पीएचडी यूजुअली 5-6 years हो जाता है। तो पार्ट टाइम का भी थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम 6 or 7 years मैक्सिमम। जैसे कि हमने बताया कि हमें पार्ट टाइम जहां भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कोशिश करना चाहिए कि पास रहे, ताकि अगर आप कई बार क्लास करके वापस भी आ जाओ, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल सकती एक साल की, क्योंकि दूर रहेगा तो पूरा एक साल दूर रहना पड़ेगा और वो थोड़ा फिजिबल नहीं है। मगर अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च पार्ट टाइम में कैसे करते हैं? मतलब फुल टाइम वाला तो 24 घंटे इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, पार्ट टाइम आप कैसे रिसर्च मैनेज करते हो? हाउ डू यू डू पार्ट टाइम? गुड क्वेश्चन। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो इसलिए जैसे आईआईएससी आईआईटीज में क्या करते हैं, पीएचडी रजिस्टर जो करते हैं वो आरएनडी ऑर्गेनाइजेशंस में या कुछ पीएसयूज में काम कर रहे हैं जहां पे उनको फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो दीज गाइज व्हेन दे आर वर्किंग इन देयर ऑफिस वहां पे भी उनके लिए फैसिलिटीज हैं, तो वहां पे भी वो काम कर सकते हैं। और अगर उनको कुछ अदर कुछ फैसिलिटीज जो यूनिवर्सिटी में है अगर वो चाहिए तो वहां पे भी जा सकते हैं। तो ये यू कैन टॉगल। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं जो आपके रिसर्च से कोई जुड़ा कोई संबंध है ही नहीं, वैसा नहीं होता है। तो आपको आपका जो वर्क प्लेस है, जैसे आप कोई कॉलेज में काम कर रहे हो तो आपके पास कुछ तो फैसिलिटीज रहेंगे, तो आपको वहां पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा काम करना है, एंड यू हैव टू मैनेज बोथ। दैट इज द मेजर थिंग इन पार्ट टाइम पीएचडी, हाउ डू यू मैनेज दैट वर्क लाइफ एंड रिसर्च बैलेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ये फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी में कोई प्रोसीजरल डिफरेंस है ही नहीं। आपको कोर्स वर्क करना है और आपको ओपन सेमिनार जो मिनिमम देना है जैसे फुल टाइम पीएचडी देते वो देना है, आपको कोलोकियम करना है अगर आप में कोलोकियम सिस्टम है वो करना है, आपको सिनॉप्सिस देना है, थीसिस देना है, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग इज सेम, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो
बस कॉम्प्रोमाइज ये है कि यू कैन डू योर वर्क एंड डू पीएचडी, बाकी ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं. कॉम्प्रोमाइज सिर्फ टाइम में है. या सी कॉम्प्रोमाइज सिर्फ टाइम में है, इसलिए उसको पार्ट टाइम पीएचडी कहा जाता है, दैट्स ऑल. और किसी में कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं वहां पे. अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि रिसर्च कैसे करेंगे पार्ट टाइम में? आप जो इस पे प्रकाश डाली, कैसे आपने मैनेज करा रिसर्च करना? देखो मेरा आई वाज लकी, क्योंकि जहां मैं काम कर रहा था, जो मेरा यूनिवर्सिटी है वहां पे एक रूल है कि अगर आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो जहां पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो उसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो यू कैन डायरेक्टली स्टे इन दैट कॉलेज. आई हैड दैट एडवांटेज बिकॉज द कॉलेज वेयर आई वाज वर्किंग, जहां मैं काम कर रहा था, वो उसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. तो वहीं पे मैं काम करता था और फॉर्चुनेटली मेरा जॉब प्रोफाइल भी ऐसा था कि मेरा 50% ऑफ माई जॉब प्रोफाइल वॉज डूइंग रिसर्च. तो टीचिंग लोड जो था वो थोड़ा कम ही था, उतना ज्यादा नहीं था. तो आपको क्या करना है, अगर आपका वर्कलोड ज्यादा है तो आपको वीकली स्लॉट्स प्लान करना चाहिए कि हाउ मेनी आवर्स यू आर गोइंग टू स्पेंड फॉर रिसर्च, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो या एवरीडे इवनिंग हो. तो वो टाइम स्लॉट्स प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो रिसर्च ग्रुप से आप जुड़े हुए हो यूनिवर्सिटी में, जैसे समझो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो और आपका काम कहीं और है, तो आप जो वो ग्रुप है जहाँ पे आप रजिस्टर करे हो, उस रिसर्च ग्रुप के साथ आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए. आपको रिसर्च पेपर जो पढ़ते हैं उनके साथ डिस्कशन, इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं पार्ट टाइम पीएचडी में ये देखता हूँ, लोग यहाँ पे जो मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन द रिसर्च ग्रुप फॉर डिस्कशन. तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है पार्ट टाइम पीएचडी का. तो इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम रिसर्च डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे. तो वो ग्रुप में एक्टिवली इन्वॉल्व होना और टाइम मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्री थिंग्स, वन इज योर वर्क, another one is your life, because you are working automatically, aapka marriage ho jata hai, life bache ho jate hai, so your life is also there, and then your research. So teeno ko aapko time dena padta hai. So agar aap ek time slot banayenge aur aapka wo jo research group hai usme aap involve honge, and you keep on attending conferences, jo full time phd student karta hai wo sab चीजें हमें भी करना चाहिए एज अ पार्ट टाइम पीएचडी. तो कोई रिलैक्सेशन लेना नहीं चाहिए. मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि बीच में अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दो दिन ऐसे ढूंढिए जिस दिन आप लैब जाएं, जैसे कि आप सैटरडे संडे जा सकते हैं, आप वीक में कोई एक डे जा सकते हैं, और गाइड के साथ कांस्टेंट और जो भी वहां पे स्टूडेंट उनके साथ कांस्टेंट टच में रहें. उससे क्या होगा कि आपको अपडेट रहेंगे कि क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग. तो ये थोड़ा रिकमेंडेड है. फॉर एग्जांपल मुझे मैं जेएनसीएसआर से जो मैं जुड़ा था, तो मैं वहां पे जो हमारा ग्रुप था तो उनसे मैं इन्वॉल्व था, तो मैं उनके साथ कभी डिस्कस करता था. जब मैं वहां जाता था मैं उनके साथ डिस्कस करता था, एंड दे वर आल्सो वेरी गुड. जब हम उनके साथ डिस्कस करते हैं तो ऑब्वियसली पीपल ओपन अप एंड ट्राई टू हेल्प यू. ये पार्ट टाइम पीएचडी आई सी लाइक इवन इन आईआईटीज एंड ऑल, जब पार्ट टाइम पीएचडी रजिस्टर करते हैं ना, तो उनमें एक काइंड ऑफ फोबिया है कि हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा इसमें बोल के. But it is we who are not going to get involved. So हमें करना पड़ेगा वो सब. ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट करना पड़ता है, ये तो चीजें हैं. ओके, अच्छा लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अगर आपने पार्ट टाइम पीएचडी कर ली, आपको तो पता ही है, पार्ट टाइम पीएचडी के बाद अगर मैं बाहर कहीं पोस्ट डॉक अप्लाई करना चाहूँ, कोई साइंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है. देखो पीएचडी इज अ पीएचडी एंड पार्ट टाइम पीएचडी एंड फुल टाइम पीएचडी बोथ आर considered as regular PhD. So legally you are eligible to apply anywhere throughout the India or throughout the world. You will get postdoc opportunities and you can apply anywhere, because आपके जो सर्टिफिकेट में है वहां पे मोड ऑफ स्टडी में आपका रेगुलर मोड ही लिखा जाएगा, पार्ट टाइम नहीं लिखा जाएगा. तो आपके जो कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट में जैसा मेरा है वहां पे मोड ऑफ स्टडी लिखा ही नहीं रहता है. सो पीएचडी इज पीएचडी. अगर आपका पीएचडी ऑनलाइन हो, करेस्पॉन्डेंस हो या कुछ और मोड से हो, then it is not well for sure. तो ये बहुत ये अगर कभी कुछ मेरे जानने वाले हैं, मतलब they were doing part time PhD from IIT Delhi and उसके बाद उन्हें बाहर भी जॉब्स मिली हैं, फॉरेन में भी जॉब मिली हैं. I know I don't want to name, but a lot of people have got job after part time PhD, मतलब permanent भी मिली है, कुछ भी मिली है. तो अगर आपके माइंड में मिसकंसेप्शन है कि नहीं होता है, तो ये ऐसा नहीं है, चीजें होती हैं. होता है, जैसे मुझे ही दो पोस्ट डॉक ऑफर मिले हैं ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है ही नहीं. मतलब ये लोगों का वहम है कि ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं होता है. तो अगर आप,
अगर आप जहां भी आप अप्लाई करो, आप IITs में अप्लाई करो या पोस्टडॉक अप्लाई करो, आपका क्या देखा जाता है? आपका डिग्री का मोड नहीं देखा जाता है, आपका देखा जाता है कि आपने कौन से पेपर्स किए हैं, कैसा रिसर्च किया है, कितना स्किल सेट है आपका, आपका नॉलेज कितना है. तो यही टेस्ट करते हैं इंटरव्यूज में. अगर इफ दैट ऑल इज फाइन, देन आई डोंट नो व्हाई पीपल विल रिजेक्ट यू जस्ट बिकॉज यू हैड अ पार्ट टाइम पीएचडी. आई डोंट थिंक सो. ये वही है कि अगर आपने पार्ट टाइम पीएचडी में एफर्ट डाले, आपने अच्छा काम किया, अच्छे पब्लिकेशन किया, आपने क्वालिटी वर्क किया, देन इट डजंट मैटर कि आपकी डिग्री कैसी थी. द ओनली थिंग मैटर इज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड हाउ गुड यू आर. एग्जैक्टली. एंड योर स्किल सेट. एंड योर स्किल सेट. सो अब इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है, यही है मेरा, कि जो लोग करना चाह रहे हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर किसी रिसर्च कंपनी में, इंडस्ट्री में या फिर किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि अगर वो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो? या कपल ऑफ टिप्स. लाइक फर्स्ट थिंग, आप जहां पे रह रहे हैं, जो प्लेस में आप रह रहे हैं, उससे बहुत ही नजदीक वाली यूनिवर्सिटी चूज कीजिए. ऐसा नहीं कि आप बैंगलोर में रह रहे हो और IIT मुंबई में आप रजिस्टर करना चाहते हैं, IIT मद्रास में, ऐसा ऐसा प्लीज मत करिए. इवन इफ देयर इज एन ऑप्शन, प्लीज डोंट डू इट. कम्यूटेबल होना चाहिए, जो आपका रिसर्च फैसिलिटी है कम्यूटेबल. अगर आपको चाहिए तो एक दो घंटे में आपको जाके वहां पे अटेंड होना चाहिए, जैसे वर्कशॉप्स हो, सेमिनार्स हो, या कोर्स वर्क हो, या डिस्कशंस हो, या जनरल क्लब्स हो. तो कम्यूटेबल इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चूज द नियरेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी जो आपको नजदीक है, और प्लीज चेक ऑन द वेबसाइट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज रिकग्नाइज्ड और नॉट. यूनिवर्सिटी का रिकग्निशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज तो आपको मालूम है कुकुर मुत्ते की जैसे बहुत बहुत यूनिवर्सिटीज आ चुके हैं, तो उनका रिकग्निशन, UGC से रिकग्निशन रहना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो UGC एक, उसमें दो पार्ट है. एक है यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज होना चाहिए, और पार्ट टाइम PhD भी रिकग्नाइज प्रोग्राम होना चाहिए. तो विच मीन्स पार्ट टाइम PhD को जो रेगुलेशन है वो उनके एकेडमिक काउंसिल में, जो सिंडिकेट में है, उसमें पास होना चाहिए, वो सब कुछ पासिंग होना चाहिए. विच मीन्स इट हैज टू बी रिकग्नाइज बाई UGC ऑल्सो दैट प्रोग्राम. तो ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को. बिना ये सब कुछ चेक किए बजाय अगर हम PhD में एनरोल हो गए और 5-6 साल के बाद पता चला कि यूनिवर्सिटी सही नहीं था, देन यू विल रिग्रेट इट. सो प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज ट्राई टू चेक दिस बिफोर यू एनरोल. एंड मेन थिंग इज आपको टाइम मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट टाइम PhD में, क्योंकि फुल टाइम में आपका फोकस एक ही है, पर जो आप पार्ट टाइम कर रहे हैं और आपका जॉब है, आपका फैमिली भी बन जाता है, तो आपके डाइवर्शंस बहुत हैं, आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करना, वीकली टाइम मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बड़ा ट्रिप है. और आपके जो पीयर्स हैं, आपके लैबमेट्स हैं, कोलीग्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनके साथ कॉन्स्टेंट टच में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इंटरेक्ट कीजिए आपके ग्रुप के साथ, उनके साथ इन्वॉल्व होइए. प्लीज रिसर्च पेपर्स पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं देखता हूँ पार्ट टाइम PhD में लोग रिसर्च पेपर्स बहुत कम पढ़ते हैं कंपेयर टू फुल टाइम PhD. दैट इज वन मेजर रीजन व्हाई क्वालिटी इज लो. तो प्लीज रिसर्च पेपर्स पढ़िए, डिस्कस करिए आपके पीयर्स के साथ, ग्रुप में इन्वॉल्व होइए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए. ये ऐसा नहीं है कि आपका PhD में जो रेगुलेशन है उसमें कॉन्फ्रेंस आपका मैंडेटरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करना है. प्लीज इवन पार्ट टाइम PhD शुड अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, मेक कॉन्टैक्ट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च वर्क. जो मिनिमम रेगुलेशन है PhD के लिए, मतलब एक पेपर चाहिए, दो पेपर चाहिए, कोर्स वर्क कितना करना है, दो ही सेमिनार देना है, सिर्फ उतना ही मत कीजिए. फाइनली आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट लोगों को ये जो पार्ट टाइम PhD का जो स्टिग्मा है दैट इट इज अंडर क्वालिटी या इट्स नॉट रिकग्नाइज, ये झूठ है. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि जॉब मार्केट जो है इंटरनेशनली वो ऑलरेडी फुल टाइम PhD के लिए ही बहुत डिफिकल्ट है, हम सबको मालूम है. तो अगर हमें एज अ पार्ट टाइम PhD अगर हमारा क्वालिटी लो है, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी वैल्यूड. इट्स नॉट बिकॉज वी वर पार्ट टाइम PhD, इट इज बिकॉज आवर रिसर्च क्वालिटी वाज पुअर, दैट्स ऑल. नहीं, बहुत सही सही टिप्स है. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बोला कि क्वालिटी से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर ये उम्मीद मत करो कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, चाहे आप रेगुलर में हो, चाहे आप पार्ट टाइम में हो, चाहे आप डेली जा रहे हो. अगर क्वालिटी खराब है तो मैंने देखा जिन्होंने 6 साल में PhD करी उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर क्वालिटी अच्छी है तो चाहे आपने पार्ट टाइम भी किया तो भी आपकी बहुत वैल्यू. इट्स ऑल अबाउट हाउ मच एफर्ट्स यू आर डूइंग. और एक अच्छी इन्होंने बात मैंने भी देखी है कि आपको बहुत जगह पोस्टर मिल जाएंगे, आइए 2-3 साल में PhD कीजिए इस यूनिवर्सिटी, ऐसे चक्करों मत पड़िए. वहां पे पार्ट टाइम PhD में आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा.
पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आप अप्रोच करना चाहते हैं, खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, खुद जाके अप्लाई कीजिए। एजेंट ये भी जो होते हैं ना एडमिशन प्रोसेस वाले एजेंट वगैरह, स्कैम चलता है, इस पे पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होगा, पैसे वेस्ट होंगे। अगर वो आपको करना है तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, मैं क्या कह सकता हूँ, ज्यादा पैसा है तो लुटाओ, क्या दिक्कत है। तो बढ़िया है वही चीज है, मगर मतलब किशोर ने बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स दिए हैं जो अगर आप यूजली फॉलो करोगे तो आपकी आपकी पीआर टाइम पीएचडी एक फुल टाइम से भी अच्छी होगी। क्योंकि जहां तक मैं इनको काफी टाइम से जानता हूँ, इन्होंने इनकी फैमिली भी है, जॉब भी है, उसके बावजूद इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करी। इनफैक्ट कई रेगुलर स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे पेपर पब्लिश करे हैं, ज्यादा अच्छा काम करा है, कॉन्फ्रेंस में अटेंड करे, बहुत काम किया है। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे ना तो आप देख लीजिए, उनको दो दो ऑफर आ चुके हैं पोस्ट डॉक के। तो इट डजेंट मैटर, इट ऑल डज मैटर इज योर एफर्ट्स, योर टाइम एंड योर क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो उससे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बाकी सब बढ़िया ही है। तो थैंक यू वेरी मच किशोर भाई, आपने मतलब इतना टाइम दिया, आई नो इतना इजी नहीं होता टाइम देना, खासतौर आपको क्लासेस लेनी है और भी बहुत सारे प्रोसेस आपके पैरेलल ही चल रहे हैं, वो तो मैं जानता हूँ। तो बट थैंक यू वेरी मच यार आने के लिए, आपने बहुत टाइम दिया मुझे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी मोनू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, अगर आप नेक्स्ट में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, एंड देन मैं किशोर भाई से पूछ के आपको उसके आंसर्स बता दूंगा। सो गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती जाएं। आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार दे रहे हैं। अपना प्यार इसी तरह बताते जाइए, और क्वेश्चंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो, या फिर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरी अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, DR मोनू मिश्रा, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।